हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शेफ अशोक स्ट्रीट में। मैं हूँ शेफ अशोक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा मूंग दाल हलवा बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। अक्सर मूंग दाल का हलवा आप सबका फेवरेट होता है, शादियों के अंदर सबसे ज़्यादा मूंग दाल का हलवा पसंद किया जाता है। तो आज मैं आपको हलवा स्टाइल मूंग दाल का हलवा बनाने की रेसिपी बताऊँगा, वो भी इजीली घर पर बनाना बताऊँगा। बहुत ही आसान रेसिपी, और साथ में मैं इसके ट्रिक्स भी बताऊँगा, टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगा कि कहाँ कहाँ आपको सावधानी रखनी है। तो गाइस, वीडियो पूरा देखिएगा, और रेसिपी अगर अच्छी लगती है आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम मूंग दाल का हलवा बनाना। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर मूंग मोगर दाल ली, आधा किलो दाल ली है हमने यहाँ पर। आप कितनी भी ले सकते हैं, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले दाल को वॉश करना बहुत ही आवश्यक है। दालों को लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए इनके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह मिलाए जाते हैं, तो कम से कम 3 से 4 पानी तक आपको इन्हें अच्छे से वॉश करना बहुत ही आवश्यक है। देख सकते हैं आप दाल का पानी कितना चेंज हो गया। तो इसी तरह आपको 3 से 4 पानी तक अच्छे से इनको रगड़ रगड़ कर वॉश करेंगे तो ये पानी एकदम क्लीन हो जाएगा। ये देखिए ये पानी कितना गंदा हो चुका है। तो चलिए इन्हें मैं रिमूव कर लेता हूँ और 3 से 4 पानी तक अच्छे से इन्हें वॉश कर लेता हूँ। 3 से 4 पानी के अंदर वॉश करने के बाद देखिए दाल का पानी हमारा एकदम क्लीन हो चुका है। अब आपको इसे आधे घंटे तक, कम से कम 30 मिनट तक इसे रेस्ट देना है। दाल हमने 500 ग्राम ली थी, तो उसके साथ में चीनी हम लेंगे, शुगर 600 ग्राम शुगर लेंगे, और साथ में देसी घी लेंगे हम 600 ग्राम। गाइज, अगर आपको कप के हिसाब से रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कप के हिसाब से भी रेसिपी दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए, बादाम, काजू, पिस्ता, थोड़ा सा केसर और इलायची पाउडर लिया है। देखिए करीब 5-1/2 घंटा तक हो चुका है और मेरी दाल अच्छे से सॉक हो चुकी है। बस इतनी हम दाल को सॉक करेंगे, बहुत ज़्यादा सॉक नहीं करेंगे, नहीं तो दाल हमारा सारा पानी पी लेगी। उसके बाद एक बार वर्बली हाथ घुमा लेंगे इसके अंदर और इसे स्टैंड करके रख लेंगे। स्टैंड करके रखने के बाद दाल को करीब आपको थोड़ी देर तक रखना चाहिए, उससे इसका पानी है ना सारा नीचे निकल जाएगा। उसके बाद दाल को हम मिक्सी के अंदर डालकर पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट आपको पूरा एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का दरदरा रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दाल को पेस्ट बनाने के लिए इसके अंदर पानी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। बिना पानी डाले जब आप पीसेंगे तो आपकी मिक्सी चलेगी नहीं और रुक जाएगी, सारी दालें नीचे चिपक जाएगी। तो इसे आपको खोलकर एक बार इस तरह घुमा लेने का, यानी अंदर चम्मच से जो भी दालें साइड में चिपक जाती है उसे हम उतार देंगे। करीब 2 से 3 बार प्रोसेस चलेगा हमारा ये। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे बिल्कुल पीस नहीं रही है दाल, सारी चिपक रही है हमारी, तो आप इसमें हल्का सा पानी डाल सकते हैं। लेकिन गाइस याद रहे, पानी नहीं डालेंगे तो अच्छा रहेगा, और डालना है तो बहुत ही कम, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है। चलिए थोड़ा सा पानी मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। बस इतना सा पानी आपको दाल के अंदर डालना है और इसे वापस पीसना है। बस अब आपकी दाल आराम से पीस जाएगी। दाल को एकदम फाइन पेस्ट नहीं करना है, हल्की सी दरदरी रखनी है। जो मूंग दाल का हलवा बनता है ना, वो हल्का एकदम दानेदार बनता है, बस वो इसी प्रोसेस से बनेगा। हमारे दाल को हल्की सी दरदरी रखेंगे तो हमारा मूंग दाल का हलवा भी एकदम दानेदार बनेगा। चलिए यहाँ पर मैंने सारी दाल को पीस लिया, अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। यहाँ पर हम करीब 200-300 ग्राम घी पहले डाल देंगे दाल को खोलने के लिए पैन के अंदर, और उसके जैसे ही घी हमारा गर्म होता है तो आपने इसमें दाल का पेस्ट डाल देने का है। पैन में दाल डालने के बाद में हम दाल को मीडियम एंड लो फ्लेम के ऊपर चलाते हुए कंटिन्यू इसे खोलेंगे। गाइस याद रहे, अगर आपने पानी की मात्रा ज़्यादा डाली इसके अंदर तो आपके लम्स बन सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं, लम्स भी अगर बन जाते हैं तो मैं आगे बताऊंगा आपको कि उन्हें कैसे आप प्रोसेस करें। यहाँ पैन के अंदर मुझे चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पैन हमारा छोटा पड़ रहा था तो मैंने इसे एक बड़ी कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया। बस यहाँ पर हम कंटिन्यू इसे चलाते हुए मीडियम एंड लो फ्लेम के ऊपर दाल को खोलेंगे। 20 से 25 मिनट का समय लगेगा, लेकिन दाल हमारी जब बढ़िया सा खिल जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर चाशनी ऐड करेंगे। तो गाइज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, दाल को एकदम फाइन पेस्ट नहीं करना है। अगर आपकी दाल फाइन पेस्ट हो भी जाती है तो फिर क्या करेंगे, पहले घी पैन के अंदर थोड़ा सा घी डालेंगे, घी के अंदर थोड़ी सूजी आपको ऐड करनी है 1/2 कप, और उसके बाद आपको दाल डालनी है। चलिए दाल हमारी खिलती है, तब तक मैं इसके अंदर चाशनी बना लेता हूँ। यहाँ पर हम 600 ग्राम शुगर एक बाउल के अंदर डाल देंगे, यानी एक बर्तन में डाल देंगे, और साथ में मैं इतना ही पानी इसमें डालूंगा। कितना, 600 ग्राम हमने शुगर लिया तो 600 ग्राम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आप कप से नाप रहे हैं
तो 1/2 कप आप शुगर लेंगे और साथ में 1/2 कप पानी भी लेंगे। चाशनी को बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, हम मात्र शुगर को गर्म करेंगे और इसके अंदर अदर इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। साथ में आपको दाल को भी कंटिन्यू चलाते रहिए ताकि आपकी दाल के अंदर बिल्कुल भी कहीं लम्स नहीं बनेंगे और दाल आपकी अच्छे से खिल जाएगी। चाशनी के अंदर उबाल आ चुका है, तो चलिए इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं इलायची पाउडर और केसर। बस उसके बाद इसे करीब 1 से 1.5 मिनट तक और हम इसे कंटिन्यू उबालेंगे, तब तक हमारी चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। जब हम वापस अंदर डालेंगे तो एक बार चाशनी को गर्म करेंगे और फिर डाल देंगे उसमें। टिप्स एंड ट्रिक के अंदर तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप दाल को इस तरह खोलेंगे अगर दाल के अंदर आपके लम्स पड़ भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसे आप छान सकते हैं। उससे क्या है कि कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी, छान ले, और नहीं तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं दाल को, जो आपके लम्स बनते हैं ना उनको कद्दूकस करके भी इसमें डाल सकते हैं। बस कंटिन्यू 20 से 25 मिनट तक हम इसे इस तरह चलाते रहेंगे, दाल हमारी बढ़िया सा पक जाएगी, खिल जाएगी और इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। गाइज अगर आप चाहें तो इस तरह दाल को पका के रख लेंगे तो 1 महीने तक आपकी दाल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब भी आपको मूंग दाल का हलवा बनाना हो, बस हल्का सा गर्म किया, घी इसके अंदर डाला, चाशनी गर्म की इसके अंदर डाली और 5 मिनट में आपका मूंग दाल का हलवा बन के तैयार हो जाएगा। मेरे को करीब 25 मिनट तक हो चुका है देखिए, और दाला मूंग दाल में हमारी सारी अच्छे से खिल चुकी है। कैसे पता चलेगा मूंग दाल आपकी खिल चुकी है? तो एक तो इसके अंदर से बढ़िया सी खुशबू आने लग जाएगी सिकने की, और साथ में जैसे जैसे आप पलटी करोगे ना तो नीचे से दाना पूरा सिका हुआ दिखेगा आपको। बस तब हम समझ लेंगे हमारी मूंग दाल सिक चुकी है। उसके बाद आप चाहे तो इसे रख सकते हैं महीने भर तक, और अगर आप चाहे तो इसके अंदर हाथों हाथ घी गर्म करके डाल देंगे। जो बचा हुआ घी था ना, बस वो घी को हम गर्म करेंगे और वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे, फिर थोड़ी देर और सेकेंगे। तो गाइज मैंने आपको बताया आज कहाँ कहाँ सावधानी रखनी है। मूंग दाल को पीसते समय बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, अगर डालना भी पड़े तो थोड़ा सा डालना है, और घी डालते समय हमें बिल्कुल थोड़ा सा दूर रह कर डालना है, क्योंकि गर्म गर्म घी की भाफें उड़ती है तो इससे हाथ भी जल सकते हैं आपके। उसके बाद थोड़ी देर तक हम इसे हिलाएंगे, तब तक हमारा मूंग दाल का हलवे का बढ़िया सा कलर आ जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पीसते समय आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल पेस्ट नहीं करना, हल्की दानेदार आपको पेस्ट पीसना है, तभी आपका ये देखिए इस तरह मूंग दाल का हलवा दानेदार हलवा बनेगा। उसके बाद इसके अंदर गरम गरम चाशनी हम डाल देंगे। चाशनी डालते वक्त विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि हमको थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि इसके अंदर से एकदम गरम गरम भापे निकलती है, उससे हमारा हाथ और चेहरा जल भी सकता है। उसके बाद हम इसे कंटिन्यू हिलाते रहेंगे थोड़ी देर तक, तब तक हमारी मूंग दाल सारी चाशनी ऑब्जर्व कर लेगी, और यहीं पर हम ड्राई फ्रूट्स को कट कर कर इसमें ऐड कर लेंगे। तो गाइस दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, दाल को जब पीसते समय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि दालों को बिल्कुल भी पेस्ट नहीं करना है। उसके बाद जब आप दाल को खोलेंगे तो दाल को अच्छे से आपको सेक के रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो टिप्स है आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, तब भी आपका मूंग दाल एकदम इस तरह खिला खिला बनेगा सादे वाला। सो गाइस ये थी आज की हमारी मूंग दाल के हलवे की रेसिपी। मेरे को तो मूंग दाल का हलवा बहुत ही अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।